हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज जो मोदी जी ने संबोधन में तीसरी बात कही कि आयुष मंत्रालय ने जो जो गाइडलाइन दिए हैं, यानी कि आयुष मंत्रालय की जो जो गाइडलाइन है खासकर इम्यून को सही रखने के लिए, वो गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है। उस गाइडलाइन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने पहले की वीडियो में और हम खुद इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि बॉडी में अगर किसी तरह की डिजीज ना हो, उसके लिए हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम यानी कि रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो सही रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किसी भी डिजीज से बचने के लिए आपका इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम आपकी हेल्प करता है। सबसे उसमें जो प्रमुख बात है, जो कॉमनली जो हम आप घर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत सारी अभी चीज़ें मिलती नहीं है, बहुत सारे फूड मटेरियल मिल नहीं रहे हैं, बहुत सारे स्टफ मिलने मुश्किल हैं, तो हम ऐसी चीज़ें पे बात करेंगे जो कॉमनली हमें आसानी से मिल जाए और जिसका प्रयोग करके हम बॉडी के इम्यून सिस्टम को सही रख सकते हैं। सबसे जो पहला जो सबसे जो आसानी से मिल जाता है, नींबू का सेवन। हाफ नींबू आप सुबह के टाइम खाली पेट नॉर्मल वाटर के साथ लेना है, यानी कि गर्म पानी के साथ नहीं, आप नॉर्मल वाटर के साथ हाफ नींबू का सेवन करें। ये बहुत ही हेल्प करता है इम्यून को सही रखने में और खासकर डाइजेशन की प्रॉब्लम को भी नॉर्मल रखने में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। दूसरी जो बात होती है गर्म पानी का उपयोग, गर्म पानी हॉट वाटर का प्रयोग आप सुबह और शाम में कर सकते हैं। गर्म पानी की बात इसलिए की जाती है कि जानते हैं कि जो कोरोना वायरस का जो साइट ऑफ एक्शन होता है, जो मेन एक्शन आपका ये थ्रोट एरिया है, यहाँ की ये सेल को अपना होस्ट बनाता है। तो गर्म पानी से क्या होता है कि गर्म पानी पियेंगे हम तो वहाँ से उस वायरस को खत्म होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वहाँ से वो खत्म हो सकता है। इसलिए गर्म पानी सुबह और शाम तो जरूर यूज़ करें। अगर आपसे हो सके, अगर आपको हैबिट है तो आप जब भी पानी पिए तो आप गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो बात होती है हल्दी का यूज़ करना। हल्दी में हमेशा से कहा गया कि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ता है उसको कम करने में हल्दी की अहम भूमिका होती है, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है कि हल्दी का सेवन जरूर करें। हल्दी का सेवन हमको खाने के माध्यम से हल्दी हमको मिल जाता है बॉडी को, लेकिन आप हफ्ते में 2 से 3 दिन ये भी कर सकते हैं कि दूध में हल्दी को मिला के आप उसका वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ये तीसरी बात हुई। चौथी बात ये है कि वहाँ पे आपको लहसुन भी हमको खाने के माध्यम से मिल जाता है। अगर लहसुन से आपको कोई एलर्जी नहीं है तो आप कच्चा लहसुन का भी वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लहसुन खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कच्चे लहसुन खाने से, तो आप वहाँ पे कच्चे लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे पका हुआ लहसुन हमको खाने के माध्यम से मिल ही जाता है। और पाँचवीं चीज़, दही। दही भी जो आसानी से भी मिल जाता है, दही का सेवन करें, कि दही भी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सही रखने में बहुत उसकी अहम भूमिका होती है। लेकिन दही का सेवन आप मॉर्निंग के टाइम भी करें, यानी कि दही को शाम या रात का में सेवन न करें। दही का जो मेन इसकी खाने का जो टाइम होता है मोस्टली ये सुबह का टाइम होता है, नहीं तो बहुत सारे लोगों को दही से एलर्जी भी होती है और दही खाने के बाद उनको सर्दी जुकाम हो जाती है। ये हो गई आपकी पाँचवीं चीज़। और छठी चीज़ जो लास्ट में जो और सबसे मेन है, होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी कि आयुष मंत्रालय ने पहले ही सुझाव दिया था, वायरस के आने से पहले ही सुझाया था कि आर्सेनिक L30 का उपयोग करना है। आर्सेनिक L30 क्या करेगा, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सही करने में, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी इसकी अहम भूमिका होती है। तो आर्सेनिक L30 का उपयोग जरूर से जरूर करें, और अभी अगर उपलब्ध नहीं हो रहा तो कैसे भी करके इस मेडिसिन को उपलब्ध कराएं। और जो जिन लोगों ने इस मेडिसिन को लिया ही नहीं है अभी तक, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेडिसिन को जरूर ले लें, क्योंकि अगर बीमारी से बचना है तो अपनी बॉडी को ठीक रखना ये आपकी जिम्मेवारी है, और इस मैनेजमेंट को करना ये आपकी जिम्मेवारी है। और लास्ट में जो सबसे कॉमनली जो घरों में उपलब्ध होता है, तुलसी का पत्ता। तुलसी से हमारे होम्योपैथी में ये मेडिसिन बनी है ऑसमम सेंटम, लेकिन मेडिसिन अभी उपलब्ध होना मुश्किल होगा, इसलिए आप वहाँ पे तुलसी के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। 2 तुलसी के पत्ते का सेवन आप डेली करें, ये क्या करेगा आपके इम्यून को सही रखने में ये अहम भूमिका निभाएगा। सो ये कॉमन कुछ मैनेजमेंट के पार्ट है जो आपको घर पे उपलब्ध हो सकते हैं, और इसके प्रयोग करके आप बीमारी से बचने में आप अपनी बॉडी को सक्षम बना सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रांग कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को सही रख सकते हैं। सो आज ये वीडियो यहीं तक रहेगा, मेरे लिए मैनेजमेंट पार्ट के लिए वीडियो बनाया गया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ये जरूर बताएं। अगर आप कुछ अदर प्रॉब्लम से आप अगर जूझ रहे हैं, कोई अदर प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जो भी जो सही सलाह होगी वहाँ जरूर आपको मैसेज करके बता दूंगा। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।